बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि हज़रत दानियाल अलैहि सलाम यतीम थे, उनके माँ बाप जिंदा न थे। बनी इसराइल की एक खातून ने उनको गोद लेकर उनकी परवरिश व पर्दाख्त की। उस जमाने में बनी इसराइल में एक बादशाह था जिसके दो काजी थे। वो खातून बहुत ही हसीनो जमील और बारोब थी। वो बादशाह की खिदमत में गाहे बगाहे आया करती और उसे पंदो नसाह किया करती थी। उस खातून की वक्तन फवक्तन बादशाह की खिदमत में आमदो रफ्त को दोनों काजी बड़े गौर से देखा करते थे। उसकी मोहब्बत उन दोनों के दिलों में जागुजीर हो गई और वो उसे अंदर ही अंदर दिलो जान से चाहने लगे। एक मर्तबा मौका पाकर उन्होंने इस पाक बास खातून से अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार भी कर दिया और उसे ये बावर कराने की कोशिश की कि हम दोनों तुमसे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। हमें यकीन है कि हमारे इश्क को तुम कबूल करोगे। मगर उस पाक बास खातून ने उन्हें नसीहत की और उनकी मोहब्बत कबूल करने से इनकार कर दिया। दोनों काजियों ने तरह तरह से उसे बहला फिसलाकर अपनी झूठी मोहब्बत के दाम फरेब में फंसाना चाहा, मगर वो किसी भी तरह उनके हाथ नहीं आई। जब दोनों काजियों ने देखा कि ये खूबसूरत खातून किसी भी कीमत पर उनके हाथ नहीं आ सकती, तो उन्होंने झुंझलाकर बादशाह के रूबरू ये शिकायत कर दी कि जो औरत आपको आकर पंदो नसाह किया करती है, उसने जिना जैसे अजीम गुनाह का इर्तकाब किया है। बादशाह ने जब अपने काजियों की शहादत सुनी तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया और उसे बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि वो उस खातून की शराफत और नजाबत का दिल से कायल था। मगर काजियों की शहादत को भी झुटलाया नहीं जा सकता था। गर्स बादशाह ने दोनों काजियों की शहादत पाने के बाद मजीद तहकीक व तफ्तीश की ज़रूरत महसूस नहीं की और उनसे कहा, तुम दोनों की शहादत काबिल कबूल है। फिर बादशाह ने उस औरत को 3 दिन की मोहलत दी और इसके बाद उसकी संगसारी का हुक्म दे दिया। ने शहर में ये मनादी करा दी कि फला दिन फला औरत को संगसार किया जाएगा। लोग उसे देखने के लिए हाजिर हुए। बादशाह ने अगरचे उस औरत की संगसारी का हुक्म दे दिया था, मगर अंदर से वो बहुत परेशान था। उसने अपने एक मोतमद वजीर से पूछा, क्या किसी हीले बहाने से उस औरत को संसार होने से बचाया जा सकता है? वजीर ने अर्ज किया, अब जबकि शहर में उसकी संसारी की मनादी करा दी गई है और ये संसारी का फैसला आप ही के करीबी दो काजियों की शहादत की बुनियाद पर दिया गया है, फिर ऐसी सूरत में उस औरत की संगसारी के फैसले पर अमल दरामद ना करने में कौन सी बात माने हो सकती है? तीसरे दिन जो कि उस औरत के संगसार होने का दिन था, बादशाह का वो मोतमद वजीर घर से निकला तो उसने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं, उनमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। वो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानता था, तो हम खड़ा होकर उन बच्चों का खेल देखने लगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, ए बच्चों, आओ मैं तुम्हारा बादशाह बनता हूँ, और ए फला, तू जोहदो वरो की पैकर फलानी औरत बन जा। और दो लड़कों को काजियों का किरदार दिया और कहा कि तुम दोनों मेरी अदालत में उस औरत के खिलाफ गवाही दो। फिर खुद ही मट्टी का ढेर जमा करके उस पर बैठ गए और हाथ में लकड़ी की एक तलवार रख ली। अब सूरत एक अदालत की थी। दोनों काजी लड़के और वो लड़का जो औरत के रूप में था सामने खड़े थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दूसरे लड़कों से कहा कि वो एक काजी का हाथ पकड़कर दूर फलां जगह ले जाए। जब वो चले गए तो दूसरे काजी को बुलाकर सख्ती से कहा, सच सच बता वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। तो किस बुनियाद पर उस औरत के बारे में जिना की गवाही देता है? काजी कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि उस औरत ने जिना का इर्तकाब किया है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब? नन्हे काजी ने जवाब दिया, फलां रोज। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस मर्द के साथ उसने जिना किया है? नन्हे काजी ने जवाब दिया, फलां बिन फलां के साथ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस जगह? नन्हे काजी ने जवाब दिया, फलां जगह।
हजरत दानियाल अलैहि सलाम ने लड़कों से कहा, इस काजी को ले जाओ और दूसरे काजी को मेरे पास बुला लाओ। लड़कों ने हुक्म की तामील की। हजरत दानियाल अलैहि सलाम ने उस दूसरे काजी से भी वही सवालात किए जो पहले काजी से कर चुके थे, मगर उस दूसरे काजी के जवाबात पहले काजी से मुख्तलिफ थे। हजरत दानियाल अलैहि सलाम जोर से अल्लाहु अकबर पुकार उठे। बादशाह का मोतमद वजीर, जो कि यह सारा मंजर देख रहा था, वक़्त ज़ाया किए बगैर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और उसको बच्चों का ये खेल तमाशा कह सुनाया। बादशाह को होश आया और उसने हजरत दानियाल अलैहि सलाम ही की तरह दोनों काजियों को बुलावा भेजा और उन्हें अलग अलग करके उनसे बयानात लिए। मालूम हुआ कि दोनों के बयानात मुख्तलिफ हैं। चुनाचे बादशाह ने लोगों में ये मनादी करा दी कि काजियों के कत्ल का मुशाहिदा करने के लिए लोग फलां मैदान में इकट्ठे हो जाएं। फिर मजमा आम के सामने बादशाह ने दोनों काजियों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया और पाकीज़ा खातून को बाइज्जत उसके घर भेज दिया। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।